सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ेगी ना ही पेंशन, कोई नया टैक्स भी आयद नहीं होगा। 72 खरब 94 अरब रुपए हजम का बजट पेश। माली साल 2020-21 के बजट में खसारे का तखमीना 3,437 अरब है। महंगाई की शरह को 6.50% पर लाने का अज़्म। वफाकी तरक्याती बजट में कमी, दिफा के लिए 1,289 अरब मुख्तस। कोरोना वायरस के तदारुक के लिए 1,200 अरब रुपए का पैकेज। तिबी आलात की खरीदारी के लिए 71 अरब, गरीब खानदानों के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस होंगे। शोबे सेहत के लिए 20 अरब, तालीम के लिए 30 अरब, रेलवे के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस, खुराक ज़रात के लिए 12 अरब रुपए होंगे। टिड्डी दल के खात्मे के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। अब 50,000 नहीं 1,00,000 रुपए की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड देना होगा। होटल की सनत पर 6 माह के लिए टैक्स की शरह 1.5% से कम करके 0.5% करने की तजवीज। दरामदी सिगरेट्स और सिगार पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 100% करने की तजवीज। पाकिस्तान में बनने वाले फोन्स पर सेल्स टैक्स कम होगा। गाड़ियों समेत दीगर पुरताइश चीजों पर ड्यूटी की शरह बढ़ाई जाएगी। बजट सेशन, अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान में 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, कहां हैं के प्ले कार्ड्स लहरा दिए। पेट्रोल की किल्लत आवाम के लिए अजियत, हुकूमत के ऐलानात, इकदामात बेसूर। कई शहरों में पंप्स बंद, जहां ईंधन दस्तयाब वहां लंबी कतार, तवील इंतजार की अजियत। महंगाई का सुनामी, परेशानी ही परेशानी, मुनाफाखोर माफिया बेलगाम, अशियाए खुरनोश के बढ़ते दाम, आवाम परेशान। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल तश्वीशनाक। एक रोज में रिकॉर्ड 6,397 केसेज रिपोर्ट। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। मुतासर अफराद की मजमू तादाद 1,20,000 से बढ़ गई। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, लाहौर को 2 हफ्तों के लिए सील करने पर गौर। वजीर आला की जेर सदारत इजलास, पाबंदियाँ सख्त करने के लिए विफाक को सिफारिशात भेजने की मंजूरी। माली कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, उसकी जो रकम है वो 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जाती है, और मुख्तलिफ जो ग्रेड्स में मुख्तलिफ हमारे वर्कर्स हैं उनको उसके मुताबिक इसका फैसला किया जाता है। कोरोना से जहां बहक तिब्बी अमले के लिए 1 करोड़ तक का माली पैकेज, टैक्स छूट भी मिलेगी। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि हेल्थ वर्कर्स कौम के हीरो हैं, तहफ्फुज और मुआवनत तरजीह। तिब्बी महाज से अच्छी खबर, ट्रंप ने पाकिस्तान में कोरोना टेस्टिंग किट की मंजूरी दे दी। वजीर साइंस की माहिरीन को मुबारकबाद। SOPs के खिलाफ वर्जियां, चारों सूबों और आजाद कश्मीर में कार्रवाइयां, मार्केटें सनती यूनिट सील, जुर्माना आए। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे मुलाजमीन की छांटियों का हुक्म, 1 माह में तफसीली रिपोर्ट तलब। रेलवे की मुकम्मल ओवरहॉलिंग की भी हिदायत। बीमार नवाज शरीफ की लंदन के हाइड पार्क में चहलकदमी, तस्वीर वायरल। साबिक वजीर आजम इलाज के लिए बरतानिया में मुकीम है। सरकारी सामान की फरोख्त धंधा, 5 मुलजमान गिरफ्तार। बैंक का सरबरा LDA का मुलाजिम निकला, बेनामी सरकारी लेटर्स पर आ। मुल्क
मुल्क के 52 अज़ला में टिड्डी दल की अगर रोकथाम के लिए ऑपरेशन जारी। तुर्की से आने वाला जहाज ऑपरेशनल। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों पर स्प्रे किया गया। मकबूजा कश्मीर में जिंदगी आज भी है। इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां। अमरीकी कार्टूनिस्ट की भारतीय बरियत की तस्वीर कशी। आजाद कश्मीर में होने वाली तरक्की को भी तस्वीर में बयान किया। मोदी सरकार की हट धर्मी। अमरीकी कमीशन बरामद भी आजादी के अराकीन को वीजा देने से इनकार। वक्त ने अकलियतों पर होने वाले मालिम के जमीनी हकाई की छानी करना चाहा था। अफगानिस्तान में फिर दहशतगर्दी। काबुल की जामे मस्जिद में धमाका। इमाम समेत 4 नमाजी जहां भाग। फॉर्म शहरी की हलाकत। अमरीका भर में एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन की झड़पें। जॉर्ज फ्लाइट को इंसाफ देने का मुतालबा। सदर ट्रंप के साथ चहल कदमी। अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट इंसाफ कमेटी ने आवाम से मुआवजत कर ली। कहा मोदी से तासुर गया कि फौज मुल्क की सियासत में। अफगानिस्तान फौज तशद्दुद की तहकीकात क्यों। अमरीकी सदर आलमी अदालत इंसाफ पर माइक पोम्पियो ने कैंगरू कोर्ट कह दिया। मखसूस हमले पर पाबंदियां लगाने का सदारती हुक्मनामा जारी। कोरोना का फैलाव रोकने की गलत पॉलिसी। ब्राजील में शहरी अपनी हुकूमत के खिलाफ सराबा एहतजाज। साहिल पर 100 कब्रें खोदी। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम T20 टीम। अजहर अली टेस्ट 11 की क्यादत करेंगे। सरफराज अहमद की वापसी। ग्रीन शर्ट्स और इंग्लिश टीम के दरमियान सीरीज अगस्त और सितंबर में खेली जाएगी। सऊदी अरब में खेलों पर आयद पाबंदी खत्म। 21 जून से ट्रेनिंग और दीगर सरगर्मियों की इजाजत। इस्लामाबाद में कभी धूप कभी छांव का खेल रहा। मैदानी इलाकों में सूरज का पारा हाई। कयामत खेज गर्मी ने खूब कयामत खाई। और फ्रांसीसी जजीरे कॉर्सिका में तूफानी बारिशें। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मैक्सिको में खिलाफ मामूल जलाबारी। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा।